स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल में। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है और हिंदी में इसको जानने के लिए आपको कुछ वर्ड्स पहचानने होंगे। तो कुछ वर्ड्स जो पहचानने होंगे वो हैं लिया, चुका और गया। अगर कभी भी सेंटेंस के एंड में लिया है, चुका है या गया है आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। इसकी पहचान इन तीनों वर्ड से होती है। आइए समझते हैं इसका रूल्स। इसका रूल है नाउन प्लस हैज या हैव अकॉर्डिंग टू द नाउन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। तो एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि राम खाना खा चुका है। सो इसमें चुका आ रहा है, तो चुका जो वर्ड है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताता है और है जो है वो प्रेजेंट का रूप है, इसीलिए हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मानेंगे। इस सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे इस फॉर्मूले का यूज़। राम के साथ हैज आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, खाना खाने की क्रिया को ईट बोलते हैं, तो ईटन, और खाना खाने को द फूड एज एन ऑब्जेक्ट, सो राम हैज़ ईटन द फूड। ये हो गया हमारा परफेक्ट टेंस। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप वर्ड पहचानना चाहते हैं तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स दे रखे हैं, बोल चुका है, सो गया है, पढ़ चुकी है, बढ़ चुका है, ला चुका है, आ चुका है, जा चुका है। सो जहाँ जहाँ चुका आता है वहाँ वहाँ आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आसानी से समझ आ गया होगा। इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।